नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो पहली बार महिंद्रा 275 DI XP प्लस को लेकर आए हम खेत हांकने के लिए। टेस्ट करेंगे। कल्टीवेटर अपने पास पुराना ही है, 60 टाइम्स वाला, जो कि काफ़ी पहले से है, लेकिन इसमें चेंजेस ये किए हैं, मैंने 5 से पजवा ली हैं, एकदम न्यू ब्रांड हो गई हैं। तो 500 की वजह से लोड नहीं पड़ेगा। अब देखना ये है कि 275 जो कि 37 हॉर्सपावर है, वो सत्ता पे कैसे काम करता है, कल्टीवेशन किस तरह की करता है, वो देखेंगे। तो ये अपना खेत है, धान लगाई थी तो ये कटी नहीं है, ये ढोर खा गए हैं। और इसके नीचे एक गड़ा है और एक वहाँ पे, तीन गड़ा जो है लगभग 2.5 बीघा के ढोर खा गए हैं। ठीक है, तो वही हांकने के लिए अपन आए हैं। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा डायरी को फॉलो कर लो। और ये खड़ा है अपना ट्रैक्टर 13 के टायर में, हल्की सी 5 बाहर जा रही है बस, ये जो आखिरी वाली है हल्की सी बाहर है, बाकी तो कल्टीवेटर जो है अंदर ही है। ये देखो पुराना वाला है, ये ढूंढ है, और इसको सेट करते हैं और फिर चला के देखते हैं। और ये 5 से देखो आप, बिल्कुल धार नई है, ये अभी पजवाई है। चलो खेत में ले आओ और इसको सेट करते हैं। पिछली बार जब कल्टीवेटर पे इसको चला के देखा था तो वो जो थी डंपर की डली हुई मिट्टी थी, मतलब भर्ती वाली भुरभुरी मिट्टी थी, तो वहाँ तो बहुत बढ़िया चल रहा था। अब अपन परीक्षा ले रहे हैं इसकी असली खेत में, और पूरी बरसात का पानी इस खेत के ऊपर से जा चुका है और ढोर भी फिरे हैं, सब कुछ है। और अब ये फर्स्ट टाइम हकीका, मतलब इकराउनी जिसे बोलते हैं ना, वो करने वाले हैं अपन। तो देखो अब सबसे पहले तो टापलिंग सेट करना पड़ेगी। कौन से गियर में लेंगे पहले? पहले आई में ही लो। हाँ ठीक है। अरे पहले पहले चला के देख लो, पहले कल्टीवेटर बीच में ही चला लो, पहले कल्टीवेटर सेट कर लो, है ना। पहले आई में चल रहा है अभी। बढ़िया जा रहे हैं पांचों पांच। पहले हाई में चल रहा है और पहले फेरे पे तो लग रहा है कि बढ़िया काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दबता है यार कल्टीवेटर पे, ये तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो सही चल रहा है, दब तो नहीं रहा बिल्कुल भी, कल्टीवेटर सही है। एक आध चूड़ी और खोल लो लग रहा हो तो, एक चूड़ी खोलना बस, पीछे की 5 हल्की सी, मतलब कम ऐसा लग रहा है। एक दो फेरे लगाओ फिर मैं चला के देखूंगा। तो ये जो जगह होती है मेड़ के साइड की, ये सबसे ज्यादा कड़क होती है। अब इस पे लगा के देख रहे हैं अपन। पहला लीवर काला वाला पूरा गिरा दिया है।
लो कितने आरपीएम पे चल रहा है? 15 पे। हाँ ठीक है। तो ये वही खेत है जहाँ पे अपन सबसे पहले आइसर 485 जब नया लेकर आए थे तब उसकी टेस्टिंग भी इसी खेत में करी थी। वो तो काफ़ी गीला है नीचे, और ये जो मिट्टी है यहाँ पे चिकटा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, फुसफुस ही नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है दिल्ली साइड का और जो पंजाब हरियाणा है वहाँ पर बहुत फुसफुसी मिट्टी होती है, तो वो बड़े बड़े कल्टीवेटर भी चला लेते हैं 10-10, 11-11 टाइम्स के, लेकिन यहाँ संभव नहीं हो पाता है। साउंड सुनो आप, खतरनाक आवाज़ आ रही है। अभी जो 2-3 फेरे थे ये बीच में पहले हाई में लगाए थे, तो इस समय जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, अति से ज़्यादा हार्ड होती है, तो सबसे ज़्यादा कठिन जो हकाई रहती है वो यही वाली रहती है। तो उस समय तो पहले में लगाया और वहाँ पे एक लो तीसरे में लगाए 2 फेरे, तो ऐसे मतलब चेक कर रहे हैं अपन, तो लो तीसरे में तो कोई लोड नहीं आ रहा, पहले में हल्का सा दब जाता है हल्का सा। तो अभी ये गड़िया हो जाने दो, उसके बाद मैं भी चला के देखता हूँ, उसका परफॉर्मेंस अपन चेक करते हैं। अभी ये फिर से लो तीसरे में चल रहा है और कोई भी दबाव महसूस नहीं हो रहा है। गहराई भी एक नंबर लेके जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था इन लोगों की बातों से, अपना ये सीताराम और ये जो लोग, और वही कह रहे थे कि भैया कल्टीवेटर दूसरा लेना पड़ेगा, ये चला नहीं पाएगा, और मुझे अब लग रहा है कि नहीं लेना पड़ेगा, यही काम चला देगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बड़े बड़े कल्टीवेटर हैं अपने पास और एक बलराम मल भी है, तो अपने को नहीं लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा कल्टीवेटर, यही काम हो गया है। जो बड़ा वाला 9 टाइम्स वाला कल्टीवेटर है वो 55 हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर चलाएंगे, और 485 और 275 यही कल्टीवेटर चलाएगा, और एक छोटी सी मशीन लेने की आवश्यकता है 11 टाइम्स की, तो छोटी नहीं वो भी काफ़ी बड़ी होती है, तो वो और बस अपना काम सेट हो गया। अगर अपन गहराई चेक करें ना, तो देखो आप कितनी गहराई लेके चल रहा है यार, ये आ गए यहाँ से, गई ये 5, ये देखो पूरा हाथ मेरा बैठ गया है, इतनी गहराई लेके चल रहा है।
और मुझे जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा, नहीं तो इसका टैंक फुल करा के लेके आते और वापस जब पहुंचते तो एक बार और करा लेते, तो इसका माइलेज टेस्ट भी हो जाता कि खेत में ये कितना डीजल ले रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन वो भी जल्दी कर लेंगे जब ये धान कट जाएगी ना, तो अपन बीघा के हिसाब से जगह नाप के बकायदा एप्लीकेशन से जगह नाप लेंगे कितने बीघा में कितने घंटे चला और कितना डीजल खाया, वो मैं अभी भूल गया था, नहीं तो वो अभी कर देते अपन। तो फिलहाल में ये जो खेत जब कट जाएंगे ना तब अपन कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे धान कटने में अभी बहुत समय है, अभी हरी खड़ी हुई है। ये देखो मैं दिखाऊँ आपको धान, और यहाँ पे भाई साहब देख रेख नहीं हुई ना तो ढोर खा गए। ये देखो आप धान लगभग पक गई है, बस आने ही वाली है, थोड़ा समय और है, 5-7 दिन उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई साहब ये वाली गड़ैया हक चुकी है, बस आड़िया लग रहे हैं। 35-40 बीघा तक का किसान है ना वो ले सकता है इस ट्रैक्टर को, सारे काम करेगा, ये रोटावेटर नहीं चलाएगा बस। और 5 फीट का रोटावेटर चला भी दे कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी बड़ा तो नहीं चला पाएगा इस क्षेत्र का, और दूसरे क्षेत्र में चला देगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी अलग है। ये वाला गड़ा हो चुका है, अब हम वो वाला हाँकने जा रहे हैं। खेत के भी धान जो है आधी खा गए हैं, वो जरा सी कोनियाँ रह गई है। लापरवाही देखो यार, खतरनाक वाली लापरवाही है। ट्रैक्टर में लगा हुआ है लो, तीसरा लगा लेते हैं, लग रहा है पूरा। फिर से ट्रैक्टर दे दिया है सीताराम को, और भाई साहब ट्रैक्टर के बाहर खड़े हो गए नहीं लगता है, लेकिन ट्रैक्टर पे जब बैठते हैं ना ड्राइविंग सीट पे तब पता चलता है कि हाँ यार दब रहा है कि नहीं दब रहा है। तो एक तो ज़मीन भी काफ़ी हार्ड है, और ट्रैक्टर जो है बड़े ट्रैक्टरों का कल्टीवेटर खींच रहा है, बहुत बड़ी बात है, खींच रहा है और दब रहा है, थोड़ा सा दब रहा है। अभी भी देखो लो तीसरे में जा रहा है ये, तो क्या नया साउंड है अपने लिए, तो अपन एकदम जज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक चीज़ है मना नहीं कर रहा है भाई, दब भले ही रहा है लेकिन काम कर रहा है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल मरे मरे कर रहा है, काम बढ़िया कर रहा है। तो भाई साहब ये वाला गड़ा तो निपट गया है, अब बस एक ही रह गया है और उस तरफ है, लेके चल रहे हैं। बहुत कर्री हो गई हर जगह, ट्रैक्टर भी बेचारा क्या करे, कितनी ताकत लगाएगा, इसकी जगह 485 होता ना तो उसको भी तीसरा लो लगाना पड़ता आई थिंक। इस घर को आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा, और बरसात बाद बुरी हालत हो गई है इसकी, इसको फिर से साफ़ सफाई करवा के ठीक करवाएंगे मरम्मत करके, और फिर शाम के समय यहीं पे बैठना हुआ करेगा। और ये लास्ट वाले गड़ा में चल रहा है, मशीन तो बहुत शानदार है, बस कल्टीवेटर थोड़ा सा बड़ा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए आ गए हो सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा आईडी आ रही होगी फॉलो कर लो, इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं। तो ये वीडियो अपन यहीं ख़त्म कर देते हैं, जय श्री राम। बस थोड़ा सा रह गया, इसके बाद अपन चलते हैं घर, और जब धान कट जाएगी फिर आपको मैं बोनी का पूरा फुटेज दिखाऊंगा।
हूँ।